ने कभी शिव जी का कंठ देखा है? किस तरह नीला है ना, इसीलिए तो उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। अगर नहीं देखा है तो हम आपको दिखाएंगे सीरियल नीली छतरी वाले में किस तरह हिमांशु शिव जी का रूप धारण करते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे। शिवरात्रि का मौका है तो बिना शिव जी के दर्शन किए शुरुआत कैसे की जा सकती है? तो आइए आपको मिलवाते हैं मॉडर्न जमाने के शिव जी से, यानी कि नीली छतरी वाले के शिवाय हिमांशु सोनी से, जिन्हें सास बहू और बेटियां ने स्पॉट किया उनके सेट पर। मैं नीली छतरी वाले से शिवाय आपके साथ हम बातें करेंगे बहुत सारी। मैं अभी शिव का गेटअप लेने वाला हूँ, तो देखिए क्या क्या होता है शिव का गेटअप लेने में। मतलब आप लोगों को तो बहुत ईजी लगता होगा कि हाँ शिवाय दिख रहा है, मॉडर्न शिवाय भी है और शिव भी है, लेकिन शिव के पीछे कितना तांडव होता है शिव बनने के लिए, वो आज आपको देखने को मिलेगा। हाँ, अभी बस थोड़ी देर में मेकअप वाले आ रहे हैं, सामान सब आ चुका है और अभी मैं शिव बनने वाला हूँ। तो कितनी देर लगती है आपको रेडी होने में? वैसे तो 2 घंटे लगते हैं, लेकिन कभी कभार प्रेशर इतना होता है कि हमें 1 घंटे में भी रेडी होना पड़ता है। तो आज 2 घंटे, 2.5 घंटे या 1 घंटा? अब आप लोग आए तो थोड़ा जल्दी कर लूंगा, क्या आप लोगों को क्या इंतजार कराना। प्रोडक्शन को तो करा देते हैं हम। आपको आई जस्ट वांट टू नो कि ये कैरेक्टर कैसे मिला शिव? ये जब शो मुझे ऑफर हुआ था, जब मेरा बुद्धा खत्म हुआ था, उसके बाद मुझे चैनल से कॉल आया था इस शो के लिए। तो एक मॉडर्न शिवाय था इसमें जो मेरा कैरेक्टर था, तो बड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि आप लोगों ने आज तक जो शिव को देखा है वो शिव के रूप में देखा है और ये शिवाय बड़े मॉडर्न भगवान, हैंडसम, गुड लुकिंग, यू नो। तो मेरे लिए भी बहुत टफ था कि आप लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, तो थोड़ा चैलेंजिंग था, बट मैंने उसको अपने दिल से निभाया, तो आप सब ने भी मुझे उतना ही प्यार दिया जितना मैंने इस कैरेक्टर को प्यार दिया, तो मुझे अच्छा लगा, शायद आपको भी अच्छा लग रहा है, तो शो भी चल रहा है। भाई ये भोले भंडारी थोड़े से मॉडर्न हैं। आपने शिव जी को वैराग करते हुए घने जंगल में तपस्या करते देखा होगा, लेकिन हमारे शिवाय यानी कि हिमांशु हैं मॉडर्न जमाने के भोले भंडारी। अब हिमांशु से शिवाय कैसे बनते हैं, आइए इस पर भी नजर डालें। मैं अपना मेकअप करवाने वाला हूँ और मेकअप वाले शायद आते ही होंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। थैंक यू। शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो, जी राम भजो, जी राम भजो, अजी राम भजो, जी राम भजो, जी शिव की महिमा बड़ी है न्यारी, भोले की महिमा है न्यारी, सुनो ध्यान ते सब नर नारी, शिव के ब्याह की कथा सुनाए, अजी शिव के ब्याह की कथा सुनाए, सुन लो भक्तो ध्यान लगाए। जब शिवाय शिवजी का रूप धारण करते हैं तो होता है चमत्कार। इनकी एनर्जी और अपने किरदार को लेके भक्ति को देखकर हमें शिव भक्ति याद आ गई। तो चलिए शिवजी से ही इनके सेट के दर्शन भी करवा लेते हैं। तो अभी मैं फाइनली रेडी हो चुका हूँ और आप देख रहे हैं ये शिवाय के गेटअप में हूँ मैं। ये छाल मैंने पहनी है, उसके ऊपर ये घंटियाँ हैं, रुद्राक्ष की मालाएं हैं, गले में सर्प है, और आप ये तो देख ही चुके हैं। तो अभी हम चलते हैं सीधा सेट पर और आपको सबसे मिलवाता हूँ, भगवान दास, बॉबी, पापा जी, सब लोग वेट कर रहे होंगे। चलिए। मिलिए, ये हमारे रवि हैं, ये हमारे ईपी हैं और हमें कॉल टाइम देते हैं और हमें शिवाय यही बनवाते हैं और शिव भी यही बनवाते हैं, और पैसा बचाने के लिए एक दिन में 3-3 रोल करवा लेते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को कि कैसे आप हमसे काम निकलवाते हैं? जब आप प्रोड्यूसर बनेंगे और मुझे ईपी रखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखो कितना अच्छा जवाब देते हैं ना ये, मैं ज़रूर रखूँगा आपको, खुश रहो। चलो बधाई दे। ये हमारे प्रोडक्शन संभालते हैं और इनका इतना प्रेशर रहता है, जिस
इस गेटअप को मतलब मुझे धारण करने में 3 से 4 घंटे जाते हैं। ये हमें प्रोड्यूसर की धमकी देते हैं और बोलते हैं कि 1 घंटे में रेडी हो जाओ भैया आप देखो। नहीं हमारे लिए तो करते हैं। कितनी देर में? कभी कभी तो 1-1.5 घंटे में भी हो जाते हैं, नहीं तो कभी 6 घंटे भी लगा देते हैं। सच, कड़वा सच अगर कोई बोलना चाहे तो वो इनसे सीखे। बहुत कड़वा सच था लेकिन हम दिल पे पत्थर मार के सह लेंगे। थैंक यू। चलिए हम आपको भगवान दास के पास लेके चलते हैं। ये हमारे नहीं नहीं, 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 नहीं सर सर आप सर हमारे सामने नहीं आते हैं कैमरे के, वो कैमरे के पीछे ही रहते हैं। और ये जो शो आज आप देख पा रहे हैं वो सब इनकी बदौलत हैं, लेकिन ये कैमरे के पीछे हैं और सब कुछ यही मतलब करते हैं। शिव शिव है, आदि गुरु है। बहुत अच्छे। शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर शिवाय यानी कि महादेव के ऐसे दर्शन सिर्फ और सिर्फ आपको सास बहू और बेटिया में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारे मॉडर्न शिव जी को गुस्सा जरा कम आता है। भाई इनका नाम जो है भोले भंडारी। महाशिवरात्रि हमारे दर्शकों के लिए भी ढेर सारी खुशियां लेकर आए, बस सास बहू और बेटिया की यही है प्रार्थना हमारे भोले भंडारी से। मुंबई से श्रुति बरजात्या के साथ आज तक ब्यूरो। बाय बाय।